Hi friends, I am Prateek Malik और welcome to my YouTube channel. अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. आइए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉर्निंग शिफ्ट, यानी कि जो सीटेट पेपर 2 था उसकी CDP की आंसर की. ठीक है, कोशिश की गई है कि ये वीडियो शॉर्ट हो और आपको पूरी जानकारी मिले और इसमें कोई गलती ना हो. देखिए, मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ. यहाँ से इसका आंसर होगा इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. देखिए, इसके बाद में राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट था, ये पहले आया था 1995 में, बना था, लेकिन उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया 2016 के द्वारा. तो 2016 इसका आंसर है. फिर हमारा होगा ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडागोजी, आंसर है हमारा. ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा 6 से 14 साल है. इसका आंसर होगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो इथिकल कोड होते हैं उसके लिए. टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो होता है वो हमें यही चीज़ बताता है कि जो मान लो कि कोई हमारी क्लास में ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा TLM बनाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. मेटाकॉग्निशन, इसका आंसर होगा हमारा मेटाकॉग्निशन, क्योंकि इसके अंदर आ गया है हमारा सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस वाली जो चीज़ होती है वो हमारा आ जाता है मेटा वर्ड लग जाता है. ठीक है, मेटाकॉग्निशन आंसर आ गया हमारा. ठीक है, इसके अंदर हमारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आंसर हो जाएगा. ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आंसर हो जाएगा इसका. चलिए फ्रेंड, और आगे जल्दी जल्दी करते हैं. अब देखिए, ये हमारा होगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा. अब देखिए मेंटेनेंस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूँगा मैं. लर्निंग की जो स्टेजेस होती हैं वो हमारी 4 स्टेज होती है. पहली होती है एक्विजिशन. ठीक है, एक्विजिशन पहली होती है. दूसरी होती है हमारी प्रोफिशिएंसी यहाँ पे दी नहीं है. तीसरी होती है मेंटेनेंस जो यहाँ दी हुई है. चौथी स्टेज होती है हमारा जर्नलाइजेशन. ठीक है, जो जर्नलाइजेशन है, सेकंड ऑप्शन जो हमारा जर्नलाइजेशन है. ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा जर्नलाइजेशन. ये लास्ट स्टेज होती है लर्निंग की. ठीक है, फिर है हमारा जेजोंग बिलीव द कॉग्निशन एंड इमोशंस आर. देखो, जेजोंग एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने बात कही थी कि मतलब कि दो साइकोलॉजिस्ट थे, अगर मैं ये बात बताऊं, एक तो जेजोंग थे, एक था लेजरुस. ठीक है, तो जो जेजोंग थे ये बात कहते थे कि हमारे जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वो प्राइमरी और इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे कॉग्निशन से. तो इसका आंसर तो पहले ही आंसर आ गया हमारा, इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और जो लेजरुस थे वो डिपेंडेंट बताते थे इसको. ठीक है, डिपेंडेंट और सेकेंडरी बताते थे फीलिंग्स को, यानी इमोशंस को. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर हमारा, इंडिपेंडेंट. ठीक है, मैंने बताया अभी जोजोंग के बारे में और लेजर उसके बारे में. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी करते हैं आगे. हमारा फिर है, इसका आंसर होगा हमारा मॉडलिंग. देखो, यहाँ पे मॉडलिंग आंसर मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो, अगर एक सेकेंड, यहाँ मैं मॉडलिंग आंसर क्यों बता रहा हूँ, यहाँ मैं मॉडलिंग आंसर इसलिए बता रहा हूँ, करेक्शन कोई मेथड नहीं होता. ठीक है, तो देखो, ऑब्जर्वेशन बच्चे करेंगे, इमिटेशन बच्चे करेंगे. टीचर क्या कर सकता है, टीचर मॉडलिंग कर सकता है, मॉडल बच्चों को मॉडलिंग कर सकता है. ठीक है, टीचर का मेथड जो होगा वो मॉडलिंग होगा यहाँ पे, इस वजह से. ठीक है फ्रेंड्स, अगला आ गया हमारा विजिलेंट. एक सेकेंड, हाँ, देखो हमारा है विजिलेंट. देखो, मैन और जेनिस थे, इन्होंने हमारी कन्फ्लिक्ट थ्योरी मॉडल दिया था. मैन और जेनिस ने क्या दिया था, 1976 में कन्फ्लिक्ट थ्योरी मॉडल दिया था. इसमें से इन तीनों की कोई बात नहीं करी, उन्हें विजिलेंट की बात करी गई है बस. ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर है हमारा विजिलेंट. ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, बच्चा जब ढूंढ रहा है चीज़ें तो वो लॉजिक ढूंढ रहा है, लॉजिकल थिंकिंग है उसकी. ठीक है, तो लॉजिकल आंसर आएगा इसका. कंज्यूमर टाइप होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से, इसका वेस्टिबुलर. ठीक है फ्रेंड, इसका 15 का फोर्थ आंसर होगा. अगला है 16, आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था. प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट बहुत आसान था. अगला है हमारा स्कूल, बिल्कुल ठीक है ये, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाइड द सेंट्रल पोजिशन. ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे ओविडेंस नहीं होगा क्योंकि वो किसी को भी नहीं कर रहा, वो ग्रुप आइडेंटिटी उनकी कुछ नहीं है। देखो अब यहाँ होता है कंपाइलेंस और कन्फर्मेटी बच जाता है। देखिए कन्फर्मेटी में अगर मैं बताऊँ, कंपाइलेंस में क्या होता है, कोई निर्देश होते हैं उनका पालन करते हैं आप, ठीक है, मतलब कुछ आपको डायरेक्शन दी होती है उनका, तो यहाँ पे उनको किसी को डायरेक्शन नहीं दी, ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा कन्फर्मेटी। ठीक है फ्रेंड्स, खुद खुद की समूह में आना चाहता है कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही मैं भी कर लूँ। ठीक है फ्रेंड, सेंसरी मोटर, इसका बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सेंसरी मोटर आंसर है इसका। ठीक है, अगला था हमारा, इसका आंसर आएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्यों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम में ये कहा गया था कि इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देना है, ठीक है, तो इसके अंदर ना ओपन की बात थी, ना ई लर्निंग की बात थी, ना स्पेशल एजुकेशन की बात थी। फ्रेंड देखो अब यहाँ ये बात कर रहा है शॉर्ट सेंटेंस की, शॉर्ट सेंटेंस यानी टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच का आंसर होगा इसका 18 से 14 महीने। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी की 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इन साइकोलॉजी का पढ़ा होगा तो बिना आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वही वाली बात है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एनसीईआरटी से, ये भी जब हमने इंग्लिश की पेडागोजी बताई थी तो आपको बताया था फोनेटिक्स होता है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है, फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं, तो इसका आंसर फोनोलॉजिकल है। जहाँ फोन फोन वर्ड आ जाएगा वहाँ मतलब होता है साउंड। ठीक है, अगर मीनिंगफुल हमारा होता तो सिंटैक्टिक आंसर होना था इसका। ठीक है, अभी हमारा होगा फोनोलॉजिकल। फिर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन बिल्कुल ठीक है इसका। फिर आ जाता है फ्रेंड नीचे, देखो हमारा जो ये बात करें, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन दो अबाउट द कोज ऑफ द मेल फंक्शन बेस्ड ऑन इस एक्सपीरियंस विद सिम्टम। ठीक है, तो यहाँ वो बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है कि भैया ये खराब हो सकते हैं, वो हाइपोथेसिस बना रहा है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस जब भी हम बनाते हैं तो वो हम अपना अनुमान लगा के बनाते हैं, हिरिस्टिक मेथड में आता है। ठीक है, ये हमारा, वैसे एक बात बता दूं, मेंटल सेट क्या होता है, मेंटल सेट का मतलब होता है कि जब हम पिछले जो चीज काम करी गई है सेम वैसे ही काम को रिपीट करना है, तो इसका आंसर मेंटल सेट भी हो सकता है। अभी इसमें कंफ्यूजन है मेरे को, अगर मैं सच बताऊं तो मेंटल सेट भी हो सकता है, ह्यूरिस्टिक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की बात कर दी तो वो भाई एक्सपीरियंस को भी काम कर रहा है, और खाली तुक्के मार रहा होता तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड होता, खाली हाइपोथेसिस बन रहा होता, पर उसने लग दिया बेस्ड ऑन इज एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने अनुभव व लक्षणों के आधार पर, तो इसका मानसिक दृढ़ता भी आंसर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर होगा हमारा रिडक्शनिज्म। जब हम किसी भी जॉब को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं, उसका मतलब होता है रिडक्शनिज्म, कम करने की विधि। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एनसीईआरटी में जो जेंडर एज ए सोशल कंसेप्ट होता है, जो सेक्स होता है हमारा बायोलॉजिकल होता है, जेंडर हमारा सोशल होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन। इवेल्युएट करते हैं तभी हम ये चीज़ करते हैं, स्कोरिंग प्रोसीजर थोड़ा नैरो सा कंसेप्ट लगता है। ठीक है, फिर इसका आंसर हमारा होगा इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, कि हम बच्चे की अचीवमेंट का जो असेसमेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं, बच्चे को नंबर देने के लिए, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड में चढ़ाने के लिए थोड़ी करते हैं। ठीक है, मतलब मेन हमारा, वैसे करते तो आजकल इसी वजह से हैं, लेकिन जो मेन हमारा पेडागोजी जो कहती है वो यही कहती है कि भैया जैसा तुमने पढ़ाया ना, खुद को अगर एक बच्चा फेल हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है, टीचर फेल हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हम चेक भी कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, सिस्टम को चेक कर रहे हैं एजुकेशन के, और टीचर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ना कि बच्चे को चेक कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे जो 30 क्वेश्चन थे, आई होप आपको सारा डिटेल सॉल्यूशन मिला होगा इसके अंदर। ठीक है, और बहुत शॉर्ट वीडियो थी। अब जब फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की पेपर 1 का भी सोल्यूशन देंगे, बाकी बचे हुए पेपर 2 का भी सोल्यूशन देंगे, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें इन्वाइट करिए लाइक करने के लिए, आपको और ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।